हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम सीखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसा कोई फिगर है। ठीक है, तो अगर मैं इस फिगर को ये यहाँ पे एक लाइन बनाती हूँ ऐसी, ठीक है, इसके अराउंड इस फिगर को मैं इधर मोड़ती हूँ, ठीक, तो ये ओवरलैप करेगा पूरा, एक के ऊपर दूसरा आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, कि तुम्हें पीछे का कुछ नजर ही ना आए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। जैसे सपोज करो ये तुम्हारे पास एक फिगर है, कोई भी एक चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन है, इस लाइन के अराउंड मैं अगर इसको ऐसे करके टर्न करती हूँ तो ये बिल्कुल इसको ओवरलैप कर रहा है ना, एक के ऊपर दूसरा आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या फिर ये फिगर इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। आया समझ में? एक और देखते हैं, सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा एक फिगर है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, अगर मैं इस वाली लाइन के अराउंड इसको ऐसे करके टर्न करती हूँ, क्या ये एकदम ओवरलैप करेगा एक दूसरे को? नहीं करेगा ना। ये चीज देखो ऊपर है, ये यहां से नीचे है, तो तुम्हें क्या होगा, ये पूरा एग्जैक्टली, अब देखो दोनों हाथ है, सपोज करो ये दोनों हाथ है हमारे, इनको ओवरलैप करो, कर रहे हैं ओवरलैप, पीछे का कोई हाथ नहीं नजर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, हमारे दोनों हाथ दे आर सिमेट्रिकल। आगे समझ में, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। चलो अब हम जो है लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास जो कुछ फिगर्स है, ठीक है, ये फिगर्स है कुछ हमारे पास, अगर ये होल कर दिए हमने इसके अंदर पंचिंग मशीन से, ये होल कर रही, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा कि मैं उसको अगर ओवरलैप करती हूं तो एक के ऊपर दूसरा होल आए, तो देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अराउंड इसको ओवरलैप करूंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो ये कागज है, ठीक है, ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मानो तो मैं ऐसे ओवरलैप करूंगी, ठीक है, अगर ये डायगोनली हम मानते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री तो कैसे ओवरलैप करेगा, ये डायगोनली करेगा, लेकिन अब तो सिमेट्रिकल नहीं है ये वाला फिगर, अगर हम डायगोनली कर रहे हैं, ठीक है, इधर देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, ये बनेगी ये वाली, क्लियर है, ठीक है, यहां बताओ कैसी बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसी बनेगी तो ये दोनों होल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, इधर देखो एक तो ऐसे करूंगी तो भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे भी फोल्ड करती हूं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। एफ पार्ट में देखते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी ये आधे सर्किल के बीच में से, ठीक है, अब तुम ऐसे ओवरलैप करोगे, इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे दोनों सर्कल्स, यहां पर देखो लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी दिस वन, एच पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी दिस वन, ठीक है, इसमें देखते हैं सर्कल में कैसे होगी, एक तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हारी हो जाएगी ये वाली, ठीक है, फाइन, चलो ये दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर वन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, यहाँ पे तो बस लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, ठीक है, एक होल जो है वो गिवन है, तुम लोग को दूसरा होल बनाना है, ठीक है, तो देखो अगर ये दो होल यहाँ पर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इस पेज को ऐसे टर्न करती हूँ, ठीक है, तो ये दोनों होल कहाँ पे आएंगे, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मानो तुम्हारे पास यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे फोल्ड करूंगी तो ये वाला सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी, तो ये वाला सर्कल ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जाएगा इधर की तरफ, ये वाला आएगा इधर की तरफ, ठीक है, क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब हम देखते हैं मिरर इमेज क्या होती है, लाइन ऑफ मिरर सिमेट्री क्या होती है, ठीक, देखो तुम अगर शीशे में कोई चीज देखोगे, मिरर में कुछ देखोगे, तो अगर तुमने अपना हाथ ऐसे देखा तो तुम्हें एक हाथ यहाँ पे नजर आएगा, तो तुम अगर ऐसे अपना हाथ रखते हो, यहाँ पे तुम्हारा मिरर होता है, तो बिल्कुल तुम्हें कैसा हाथ नजर आएगा, तुम्हें अपना ऐसा हाथ नजर आएगा, आएगा कि नहीं, दिखाती हूँ, ये तुम्हारा मिरर लाइन है, ठीक है, तुमने अगर ऐसे हाथ रखा तो दूसरा हाथ ऐसे तो बनेगा, ठीक। चलो अब हम देखते हैं फिगर्स देखते हैं, यहां पर तुम्हारे पास क्या है, ए पार्ट में यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक फिगर है, ठीक है, और
और यहाँ पर ये उसकी लाइन ऑफ, दिस इज द मिरर लाइन, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन हमें कैसे नजर आएगा शीशे में, तो रिफ्लेक्शन हमें नजर आएगा इसका ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है। बी पार्ट में यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक, इसका रिफ्लेक्शन कैसे नजर आएगा तुम्हें ऐसे करके, ठीक है। सी पार्ट में कुछ ऐसे करके फिगर है, इसका रिफ्लेक्शन कैसे नजर आएगा, बिल्कुल सेम अपोजिट इसका, ठीक है। डी पार्ट में तुम्हारे पास एक सेमी सर्कल समझ लो, ठीक है, कैसे नजर आएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ई पार्ट में यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा है कुछ, कैसा रिफ्लेक्शन नजर आएगा इसका, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्लियर है, ठीक है। अब चलो आ जाओ एफ पार्ट पे, क्या आएगा, ठीक है, यहां पे कैसा आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। चलो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसको बोला जाता है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां बताना है कि यहां पे मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इस वाली फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हारी जाएगी ऐसे, ठीक है, बल्कि मैं अंदर ये वाला स्पेस ये हटा देती हूँ, इसकी कलरिंग इजी हो जाएगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी ऐसे इस वर्टेक्स के अराउंड, ठीक है। दूसरी तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी ऐसे, ठीक है। तीसरी तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी इस वाले वर्टेक्स से निकल के ऐसे। तो इस वाली फिगर में कितनी होगी, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्लियर है। चलो ये फिगर हम रब कर देते ताकि थोड़ा सा स्पेस बनता रहेगा हमारे पास। चलो बी पार्ट देखते हैं, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तुम्हारे पास। देखो एक लाइन, इसको रब कर देती हूँ, एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी ऊपर से नीचे ये वाली, ठीक है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी ऐसे। तो कितनी होगी, वन टू, टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है, क्लियर। चलो यहां पे देखते हैं सी पार्ट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जाएंगी। यहां पे एक जाएगी इस वर्टेक्स के अराउंड, ठीक है, दूसरी जाएगी इस वर्टेक्स से निकल के, तीसरी जाएगी इस वर्टेक्स से निकल के, ठीक है। इसका मतलब यहां पर है थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज, क्लियर, ठीक। इस वाले में देखते हैं, इस फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी ऐसे करके और दूसरी जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई, टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज, राइट। चलो अब हम देखते हैं ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी। एक तो होगी इस वाले वर्टेक्स से, वन, ठीक, दूसरी जाएगी इधर से, टू, एक जाएगी इस डायगोनल से इस डायगोनल तक, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज, एक जाएगी तुम्हारी इस डायगोनल यहां से यहां तक, फोर। तो यहां पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई ए वाले में, फोर लाइन ऑफ सिमेट्रीज, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो इसका देखते हैं अब हम एफ पार्ट, यहां पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। एफ में यू विल हैव, एक देखो ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हारी ऐसे करके जाएगी, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारी टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी, ठीक है, क्लियर। एच पार्ट में तुम्हारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, देखो एक तो अगर मैं इसके अराउंड करती हूं ऐसे करती हूं, यहां से ओवरलैप हो जाएगा ये एग्जैक्टली, एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और एक मैं अगर यहां से करती हूं इसको, अभी मैंने ऐसे ओवरलैप करा, ये फिर हम इसको ऐसे ओवरलैप करते हैं, तो यहां पे कितनी है, यहां पे दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं इसका एच पार्ट, ये वाले में देखो इसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, जब एक से ज्यादा होती है तभी हम मल्टीपल बोलते हैं, लेकिन यहां पे एक है तो क्या इसके अंदर मल्टीपल है, लिख दो नो, इट डू नॉट हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज, क्लियर है। यहां पे देखो इस वाली फिगर में एक, दो, तीन, चार, ठीक है, तो यहां पे कितने हो गए, यहां पे हो गए चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ऐसा फिगर है, ठीक है, इसमें ये वाली जो
बॉक्सेस हैं वो कुछ कलर्ड है, ठीक। अगर तुम इन्हें डायगनली इन्हें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो, जैसे कि सपोज करो मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ऐसे ली, ठीक है, मैं इस पेपर को ऐसे करके फोल्ड करती हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये बताओ कि और कौन कौन से बॉक्सेस इसके अंदर कलर्ड होंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके इसको फोल्ड करते हैं तो देखो ये वाला बॉक्स जाएगा इधर की तरफ, है कि नहीं। तो जो पुराने हैं ये वाला बॉक्स ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ये वाला फिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स इधर आएगा तो ये वाला हो जाएगा फिल, ठीक है, सही है। इसकी वजह से आपका ये वाला बॉक्स हो जाएगा, इसकी वजह से ये वाला बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन कौन से बॉक्स हो गए, एक तो पूरा ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर ये वाला हो जाएगा इन टोटल, ये वाला इन टोटल हो जाएगा, ये वाला, क्लियर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं दूसरे डायगनल से लाइन ऑफ सिमेट्री लेता हूं, समझो अगर हमने यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ली तो बताओ ये सिमेट्रिकल होगा। अगर मैं इसको अब ऐसे करके फोल्ड करती हूँ तो हाँ ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो दैट मीन्स यस ये दोनों फिगर दोनों डायगनल से सिमेट्रिकल होंगे, क्लियर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है या आधे आधे फिगर्स गिवन है, ठीक है। तो चलो पहले बी को कर लेते ताकि मैं इसे रब कर दूंगी फिर ऊपर चलेंगे। बी में कैसे करोगे, ये लाइन ऐसे आ जाएगी फिर ऐसे इस लाइन के लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आ रहे समझ में। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हारी ये भी है तो यहाँ पे ये ऐसे चलेगा, ये तुम्हारा फिगर ऐसे बनेगा, फिर ये आगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, क्लियर है, सही है, आगे समझ में, क्योंकि ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ऊपर से नीचे भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्लियर। अब हम कर लेंगे इसके बाद ए कर लेंगे फिर सी कर लेंगे। चलो इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पर ये इस वाले के साथ में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे और ऐसे बनेगी, ठीक है, ऊपर जो लाइन है उसमें तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे और ऐसे बनेगी, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ इसके अराउंड बनानी है। अब तुम्हें देखो ये वाली लाइन के अराउंड अगर बनानी है तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये ऐसे कर, ये ऐसे करके बन जाएगा। ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर से ओवरलैप करोगे तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, इसे सही कर लेना, बिल्कुल ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर। चल अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं स्टेट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सारी लाइंस इक्वल होती हैं, तो ऐसे ट्रायंगल में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री 1, 2 और 3 होती हैं। अच्छा नहीं सॉरी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक। अगर इक्विलेटरल बेस में है, हाँ जी पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखो इक्विलेटरल में सारे साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। चलो जी पार्ट हमारा सबसे पहले हो गया, ठीक। चलो अब हम आते हैं ए पार्ट में, ठीक है। मतलब आइसोसेलेस कैसा ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों, थर्ड साइड नॉन इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, दैट मींस यहां दोनों से लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी, कैसे, एक जाएगी इस पे से दूसरी जाएगी इस पे से, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारी दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर ऐसा होते हैं, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री जाती है, स्क्वायर ऐसे नहीं, छोटा होता है, सॉरी ऐसा होता है स्क्वायर, है ना। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी तुम्हारी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दैट मींस यहां पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है, क्लियर है। आओ अब हम आते हैं रॉम्बस पे। रॉम्बस कैसा होता है, रॉम्बस ऐसे तो होते हैं, स्क्वायर को थोड़ा ऐसे कर दो, है ना। इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है वो उसके डायगनल्स के अराउंड बनती है, 1, 2, ठीक है। तो यहां पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। फिर आते हैं हम रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल ऐसे तो होता है,
इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है रेक्टेंगल में, एक ये वाली दूसरी ये वाली, तो रेक्टेंगल में देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, चलो आओ और पैरेललोग्राम पे ऐसा होता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में तुम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बना ही नहीं सकते हो। अगर देखो मैं इसके राउंड बनाती हूँ तो ये ओवरलैप करेगा, ये वाली इधर की तरफ आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी साइड। तो पैरेललोग्राम में कोई भी, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ पैरेललोग्राम, क्लियर? ठीक है, चलो अब देखते हैं हम स्केलिन ट्राइंगल में कितनी होती है। स्केलिन, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो जब कोई साइड इक्वल नहीं होती तो उसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। क्लियर जी, वी हैव ऑलरेडी डन। एच देख लेते हैं हम लोग। एच में एक सर्कल है, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये भी हो सकती है, ये डायगनल, लेकिन डायगनल से ही पास करेंगे सारी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो सर्कल के लिए इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है। ठीक है, देन वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है बच्चों? ऐसा एक पॉलीगन जिसके अंदर हेक्सा मीन सिक्स, है ना। हेक्सा का मतलब क्या होता है? छह, छह साइड वाला एक पॉलीगन, एक दो तीन चार पांच छह, इसके अंदर छह लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है, यहां पे सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। देन यू हैव अ रेगुलर पेंटागन। देखो वर्ड है पेंटा, तो एच जे पार्ट है पेंटा, पेंटा में पांच है, तो यहां पे पांच लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। ठीक है, क्लियर है? जैसे हेक्सागन में सिक्स थी, वैसे पेंटागन में पांच लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। ठीक, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट पे। ये कह रहे हैं ऐसे लेटर्स निकालो जिसके अंदर लाइन ऑफ मिरर वर्टिकल हो। मतलब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊ, उसके आगे पीछे तुम्हारा अल्फाबेट आ जाए। जैसे कि ए देखो, ए ऐसे तो होता है तुम्हारा, होता है कि नहीं होता? इसका मतलब वर्टिकल लाइन में वर्टिकल मिरर लाइन है, तो उसके अराउंड आप ए लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा ऐसा? दूसरा देखो, अगर मैं एच बनाती हूं आधा, आधा एच आ जाएगा, बन गया एच। ठीक है, चलो देखो एक और, ए हो गया, एच हो गया, और तुम्हारा आई, आई भी इसी के ही अराउंड बनता है, आई बन गया। ठीक है, अगला देखो, एम देखो, एम कैसे लिखोगे तुम ऐसा? ठीक है, एम भी हो गया। चलो अब देखो ओ, ओ कैसे आता है ऐसे? तो देख रहे हो वर्टिकल लाइन ऑफ मिरर से ही सारे बन रहे हैं। देखो टी, आधा टी बना लू, इसी को पूरा कर दिया मैंने। ठीक, यू देखो, आधा यू ऐसे था, इस यू को पूरा कर दो, हो गया। वी देखो, आधा ऐसे था वी, इस वी को पूरा करो, हो गया वी पूरा। आ रहे समझ में वर्टिकल लाइन ऑफ मिरर में कैसे अल्फाबेट जा रहे? चलो डब्ल्यू देखो, ऐसे हो गया, बन गया डब्ल्यू। चलो एक और देखो अपना लास्ट, एक्स बन गया, एक्स तुम्हारा। ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिरर पे कौन कौन से अल्फाबेट्स तुम बना सकते हो। बहुत सारी ऐसे हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन बना देते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से अल्फाबेट्स बनते हैं। बी ऐसे होता है, बन गया बी तुम्हारा। ठीक है, बन गया सी। ठीक, बन गया ई, डी, ई देखो बन रहा है, एच देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बन गया आई देखो, बन गया, अरे समझ में, के देखो। ठीक है, ऐसा होता है, इसकी रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी के की, बन गया पूरा के। ओ देखो, इसकी रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर देन यू हैव, इसकी रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी भाई, बन गया एक्स तुम्हारा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ अल्फाबेट तुम्हारे हॉरिजॉन्टल वाले में बन गए। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं ऐसे अल्फाबेट निकालो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, तो देखो एच दोनों में बन रहा है, ठीक है, फिर तुम्हारा आई दोनों में बन रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, एक्स बन रहा है, ओ बन रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ऐसे अल्फाबेट निकालो जो दोनों में किसी में नहीं बन रहे, वो अब तुम लोग बताओ कौन कौन से। देखो हमारा एफ रह गया, जी रह गया, जे एल एन पी क्यू आर एस वाई जेड, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस कैसा होता है, दोनों साइड इक्वल है, जो तुम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे उसका अलग से नाम क्या होगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, ये कहां से जाएगी, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं, तो ये तुम्हारा मीडियम और ऑल्टीट्यूड दोनों हो गए। तो यहां पे देखो तुम्हारा ये जो लाइन है ना, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री भी एंगल बना रही होगी और ये इक्वली से कट भी कर रही होगी, तो ये तुम्हारी लाइन, इसको हम ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और दूसरा वर्ड क्या होगा, मीडियन, ठीक है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि मीडियन जो है दोनों को इक्वली कट करती है ना। अब ये कह रहे हैं, ये तो तुम्हारा ए पार्ट था, ये कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है तो सर्कल में जो लाइन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो कहां से पास होती है, सेंटर से पास होती है, तो सेंटर से जो लाइन पास होती है उनको तुम क्या बोलते हो, डायमीटर, ठीक है, क्लियर है, तो इस लाइन को हम डायमीटर भी कह सकते हैं। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, ट्रू और फॉल्स पे। ये कह रहे हैं पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये हम अभी कर चुके हैं, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। रॉम्बस हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, रॉम्बस के दोनों डायगोनल से लाइन ऑफ सिमेट्री जाता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। एन एंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक एंगल है इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, तो लिख दो ट्रू। डी पार्ट, अ सर्कल हैज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक सर्कल में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, सब डायगोनल उससे जाती है सेंटर से, तो लिख दो ट्रू। ये कह रहे हैं हेक्सागन में चार लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हेक्सा मतलब छह, तो इसके अंदर छह ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है, ठीक, जितनी वो होंगी ना उसमें साइड उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, ठीक है। फिर है तुम्हारा देन यू हैव अ ट्रेपेजियम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रेपेजियम एफ पार्ट, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बना लो इसके अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, फॉल्स, नहीं एक भी नहीं होती लाइन ऑफ सिमेट्री। जी इक्विलेटरल में तीन लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, ये होता है, तो इसके अंदर तीन लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, तो लिख दो ट्रू। स्क्वायर में दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, तो नहीं, स्क्वायर में होती है 1 2 3 4, चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज, तो ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा फॉल्स, लिख दो फॉल्स, ठीक है। आई पार्ट करते हैं हम इसका, अ लाइन सेगमेंट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका डेफिनेट मेजरमेंट हो, समझो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी वो 3 सेंटीमीटर के बाद से जाएगी, 3 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर इधर, तो क्या इसके अंदर एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो लिख दो फॉल्स, इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक। जे रेक्टेंगल हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज, नहीं फॉल्स, रेक्टेंगल में 1 2 खाली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। वीडियो में बहुत मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और कमेंट करा करो, ठीक है, जब थैंक यू बोल दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।